सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग में अगेन वही है जो अपना ग्रेफाइट कोटिंग का। आज हमारे पास आई है न्यू ग्रैंड न्यूस है जिसका आज हमें ग्रेफाइट कोटिंग कराना है एंड थोड़ा पीपीएफ भी कराना है बम्पर कॉर्निंग में। मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ कराना है। सो ये आप भी सुबह ही गाड़ी आई है, कस्टमर छोड़ के गए, देन अभी देखते हैं अभी आगे का। अभी पीपीएफ पहले कोटिंग करा के लेते हैं, बाद में पीपीएफ अप्लाई करेंगे, नहीं तो उतना पोर्शन रह जाएगा। तो अभी चलो मैं आपको पूरा बताता हूँ इधर गाड़ी का कहाँ कहाँ कराना है, ठीक है। सो ये कुछ गाड़ी है, गाड़ी ब्रांड न्यू है, कल ही लिए, डिलीवरी लिए है आज सुबह आई है हमारे पास। ये इतना तो कुछ है नहीं गाड़ी में, मतलब ज़्यादा कुछ काम करना नहीं पड़ेगा बिकॉज गाड़ी न्यू है एंड एक दिन पुरानी, कुछ सलमास वगैरह कुछ नहीं। खाली थोड़ा नॉर्मल मुझे बोनेट पे ले गए थोड़े एकदम, बट वो ग्लेज मारने के बाद निकल जाएंगे, तो गाड़ी को इतना रबिंग करने की गरज नहीं है बिकॉज फिर वो पेंट कट हो जाएगा उसका थोड़ा। तो न्यू कार के लिए इतना कुछ है नहीं, अगर स्क्रैचेस हो तो ठीक है, बट इसमें कुछ नहीं है तो बिना कारण गाड़ी का पेंट कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली थोड़ा बम्पर पे मारना पड़ेगा बिकॉज थोड़े वाटर मार्क्स है बम्पर पे ही है, बॉडी पे नहीं है, तो बम्पर पे मार लेंगे थोड़ा सा हल्का हाथ। एंड बाकी पीपीएफ देखो, पीपीएफ यहाँ कराना है कॉर्नर में, ये डोर हैंडल के नीचे एंड ये साइड में। सो वैसे ही यहाँ सब डोर पे कराना है एंड पीछे बम्पर पे दोनों साइड पे ये कॉर्नर। ये देखो हार, गाड़ी पे हार भी लगा हुआ था तो वो भी मैं अभी मैंने निकाल दिया यहाँ पे। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं, खाली ग्रेफाइट कोटिंग एंड ये देखो इसका रिबिन भी है ही। अंदर से एक बार देख लो गाड़ी, ये मतलब टॉप एंड है शायद, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मोस्टली टॉप एंड रहेगी गाड़ी क्योंकि पुश स्टार्ट बटन है, तो बिकॉज मेरे फ्रेंड की है बट वो शायद टॉप एंड नहीं है तो उसको की है एंड सी एन जी। तो अभी पहले हम लोग पहले बोनेट का करके लेते, बोनेट और फ्रंट बम्पर का जो भी मतलब पॉलिश ग्लेज मार के लेंगे बिकॉज देखो ना आप, ये तो अभी पूरी धूल है, बाकी तो कुछ है ही नहीं गाड़ी पे, सोल मार्क्स वगैरह क्लीन है कार एकदम। तो इतना करके लेंगे फिर गाड़ी वॉश कर लेंगे एक बार पूरा कंप्लीट। तो चलो अभी मैं प्रोसेस करते हुए आपको बताता हूँ। तो बेसिकली अभी जस्ट थोड़ा क्लीन किया है गाड़ी, खाली आगे से किया बिकॉज पूरा वॉश करना है, तो मुझे खाली यहाँ पे ग्लेज मारना है। तो वैसे तो कुछ स्वेल मार्क्स है नहीं, यहाँ पे थोड़े थे बट इतने कुछ नहीं, बट तो एक हाथ इस पर मारना पड़ेगा कि ये कुछ तो चिपका हुआ है उस पर पेंट पे। तो इतना कर लेते हैं पहले, बाकी तो कुछ नहीं गाड़ी पे, गाड़ी क्लीन है एकदम प्रॉपर, खाली थोड़े पानी के मार्क्स सबको दिख रहे रहेंगे तो ये देखो तो हटा देंगे बस उतना। सो चलो अभी करते प्रोसेस इसका, मशीन लेते हैं एंड बाकी का जो भी है करके लेते हैं।
बेसिकली इसका भी ग्लेस करके हो गया है, अभी इसको क्लीन करनी, ये सब थोड़ा वो केमिकल मारा है ना उसका है, वो निकलने के बाद पूरी क्लीन हो जाएगी कार। देखो पूरी क्लीन हो जाएगी, बस वो थोड़ा धूल है, बाकी कुछ नहीं, डार्क कलर है, फटाक से कहता है। तो अभी इसको पूरा प्रॉपर वॉश करके ले लेते हैं पहले भी। अभी फाइनली पीपीएफ का जो भी था वो हो गया है, अभी आपको देख सकते हो कुछ लगेगा भी नहीं करके पीपीएफ लगा है। ये कॉर्नर पे लगा है, यहाँ पे लगा है मिरर, यहाँ इसके अंदर लगा है, एंड ये लगा है एक यहाँ पे, सेम सब डोर पे वैसे ही पीछे का बम्पर पे लगा है ये साइड, एंड सेम वैसे ही पूरा लगाया है। तो अभी फ़िलहाल आज का तो इतना ही होगा, अभी कल इसका फिर कोटिंग का एप्लीकेशन करेंगे। अभी इसको ढक के रख देते हैं प्रॉपरली सेफली, एंड फिर कल से इसका ग्राफाइन चालू करते हैं। सो बेसिकली पूरा हो गया इसका काम, मैं आपको उसका रिजल्ट बताता हूँ। सो ओवरऑल पूरी कोट हो चुकी है कार, पूरी मिरर फिनिश आ गई है कार में, आप देख सकते हो। एक सेकंड, ये देखो